राम राम जी। मैं लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी। ये है सूजी। ये 1 किलो के करीब है और ये मोटे वाली सूजी है, बारीक वाली नहीं है। मोटे वाले से अच्छे बनते हैं। क्या बनाऊंगी वो आगे देखिएगा, तो देखते रहिए मैं क्या क्या डालती हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूंगी मैं मलाई। मलाई को ऐसे पूरा मिक्स कर लो। 2 किलो दूध था उसकी मलाई उतार के इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें सूजी में अच्छे से मिक्स करें ऐसे हाथ से मसल मसल के। देखिए मैं कैसे करते जा रही हूँ, देखते जाइए। अच्छे से नहीं करोगे तो ये अच्छे से नहीं गूथेगी। तो देखते रहिए मैं क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, और अच्छे से मिक्स करते रहिए मेरे साथ में। अगर दिल लगा के काम करो तो काम अच्छे से बनता है। तो दिल लगा के करते रहिए। मिक्स करूँ तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो। तो देखिए पूरी तरह मिक्स हो गया है। और इसको देखने का तरीका है कि इसके लड्डू बना के देख ले कि ऐसे, ताकि इसमें मोयल अच्छे से पड़ा है कि नहीं पड़ा ये देख लें, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो ये मैंने कर लिया है मिक्स, ऐसे मिक्स करते जाएं करते जाएं। ये चिकनी ना हो जाए तब तक इसको मिक्स करते जाएं। और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। ये दूध से ही बनेंगे, दूध पानी से नहीं। इसमें लगभग आधा किलो दूध लग जाएगा। 1 किलो सूजी में लगभग बताया है, मैं से थोड़ा बचा लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करते जैसे रोटियों का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है, लेकिन रोटियों से नरम लगाना है इसका आटा। रोटियों का तो ज़्यादा टाइट होता है लेकिन इसका नरम लगता है, बाद में सूजी फूल जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और अच्छे से आटा लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। इसमें लगभग आधे से ज़्यादा दूध लग गया है, आधे मग से, और ऐसे मैं गूंथती चली जाऊँगी। बिल्कुल नरम आटा लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ज़्यादा टाइट करोगे तो सूजी फूलेगी नहीं, तो इस तो कम ही टाइट करें। जितना नरम होगा उतनी ज़्यादा फूलेगी। तो ये इतना दूध लग गया है और ये ऐसा हो गया नरम, तो इसमें और दूध नहीं डालूँगी, तो इतना नरम हो जाएगा। और इसमें मलाई डाल दी थी तो और कम दूध लगा है, नहीं तो ये फूल भरा तो लग ही जाता, पूरा दूध लग जाता। मलाई नहीं डालते तो घी डालना पड़ता। ये आपकी चॉइस है कि घी डालोगे या मलाई, कुछ भी डाल सकते हैं मोयल के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड रख दूंगी और इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, ढक के रख दूंगी ये फूलने के लिए 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाएगी सूजी। तो इसको मैं एक साइड करके रख देती हूँ। मैं तब तक रख रही हूँ, तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना न भूले। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लो, और घंटी का बटन ज़रूर दबाना, प्लीज़ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। ये इतना ही नरम रखें, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं दबा दबा के आपको दिखा रही हूँ कि कितना नरम रखना है। अब रख दूंगी इसको ढक के, और तब तक ये फूलेगी तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। तो दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम क्या है, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब पीसना। सबसे पहले पीसूंगी बादाम इसमें मिक्सी में। ये देखिए
ग्राइंडर से कर रही हूँ। तो ज्यादा दरदरा ही रखना है, बारीक नहीं करना। तो देखिए ज्यादा मोटे थे तो एक बार और कर रही हूँ थोड़ा सा, अब की बार बिल्कुल सही हो गए हैं। तो देखिए इतना दरदरा रखना है। देखिए काजू पीस रही हूँ तो ये तो जल्दी पीस जाते हैं, ठीक है। और बारीक तो अगर थोड़ा सा और ज्यादा घुमा दोगे तो आटा बन जाएगा बादाम सॉरी काजू का। तो इतना दरदरा ही रखना है, हल्का हल्का पीस के देखना है। और इसको एक अकेले में निकाल दूंगी दोनों चीजों को। और अब कस लूंगी मैं, कस में कस लूंगी इसको नारियल को। इसमें अच्छा रहता है, इसमें तो ज़्यादा बारीक हो जाता है लेकिन इसमें अच्छा रहता है दरदरा सा। अब देखते हैं आटा, देखिए कितना टाइट हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। और इसको थोड़ा सा और मसल लूंगी ताकि और मुलायम हो जाए। ये फूल के कितना ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल रोटियों जैसा हो गया है ये। अब इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बना लूँगी, ज़्यादा मोटी नहीं, नहीं तो अंदर से सिकेगी नहीं। और इतनी डाली है मैंने किशमिश, और चार पांच ले लूँगी इलायची, ये इतनी सी इलायची ले ली है खुशबू के लिए और अच्छा रहता है, जो चाय में डालते हैं वो वाली इलायची है। और ऐसे करके ऐसे बना लूँगी मैं रोटियाँ, ज़्यादा मोटी भी ना हो ज़्यादा पतली भी ना हो, ऐसी रोटी बना लो। चूरमे की रोटी होती है वैसी, नहीं तो गैस के ऊपर ज़्यादा सिकेगी नहीं ये, तो इसलिए बोल रहे हूँ। ये सारा सामान जल्दी ही बन जाता है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। मैंने तवे को गर्म कर दिया है, ये नॉन स्टिक तवा है तो इसके ऊपर रख के सेक लेंगे जैसे पराठे बनाते हैं ना वैसे। इसको धीमी आंच पे रख के और इसको अच्छे से सेक लेंगे। तब तक मैं बना लेती हूँ दूसरी रोटी, वो सिकती है तब तक, और उसको हिलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि जले ना। धीमी आंच पे ये अंदर तक सिक जाएगी, नहीं तो कच्ची रह जाती है रोटियाँ तो अच्छे से नहीं बन पाती। फिर जब तक ये सीखती है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा वॉच टाइम बहुत कम है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो ये रोटी फूले ना इसलिए इसमें से ऐसे लगा देंगे कट, निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे कट लगा देंगे ताकि ये फूले ना, दोनों साइड से ही लगा देंगे एक साइड से नहीं। अच्छे से सेकते रहेंगे, देखिए दूसरी साइड से भी करूंगी। ये देखिए चाकू से अच्छे से कर रही हूँ। कोई भी नकली चीज लेके, चम्मच ले लो, चाकू ले लो, चिमटा ले लो, कुछ भी लेके इसमें ऐसे कट कर दें ताकि फूले ना, फूलने से अच्छा नहीं बनता, इसको फूलने नहीं देना। और इस पर लगा देंगे अब घी, देसी घी लगा देंगे अच्छे से। और अब दूसरी साइड पर लगा देंगे, ये देखिए कैसे कट लगाए थे मैंने, और धीमी आंच कर देंगे। इसको पराठे की तरह सेक लें, मोटी रोटी है लेकिन पराठे की तरह सेकेगी। तो ये दोनों तरफ से सेक लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखते रहिए और बार बार पलटते रहिए, एक कभी उस साइड से कभी उस साइड से, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो वो सीख गई है, देखिए मैंने दूसरी डाल दी है तो दूसरी करके दिखा देती हूँ आपको। ऐसे कट लगाने हैं ताकि वो फूले ना, फिर से दोहरा रही हूँ मैं, और अच्छे से सेक ले। सारे चून की पेड़े बना लें, सारे चून के ऐसे
और ऐसे सेक लें पराठे की तरह, दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। रोटियां मैंने बना लिया है तो अभी इनको पीस लूँगी मिक्सी में, छोटे छोटे टुकड़े करके और मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। ये बारीक हो जाएंगे दानेदार तो इसके अच्छे लड्डू बनेंगे। ये मोटे वाली सूजी थी, बारीक वाली नहीं थी तो अच्छे दानेदार बनेगी। ये जल्दी पीस जाते हैं, टाइम नहीं लगता, बस दो बार घुमाया और हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ये देखिए कितना दरदरा हो गया और कितना जल्दी पीस गया है। तो ऐसे पीस लेंगे। ये सारी रोटियां दो या तीन बार में पीस गई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बड़े वाला जार था। अगर आपके पास और बड़ा है तो उसमें भी पीस सकते हो, उसमें भी पीस जाएंगे। अगर रोटी के टुकड़े रह जाते हैं इसमें तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए बिल्कुल बारीक पीस लें। तो मैं पीस लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में। तो ये देखिए मैंने पीस लिए हैं और इसमें डाल दिए काजू, बादाम, नारियल, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और डाल दिए बूरा। खांड मत डालिए क्योंकि खांड अच्छी नहीं लगती इसमें, खांड दांतों के नीचे आती है तो अलग ही टेस्ट होता है, कर कर की आवाज़ आती है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बूरा डालती हूँ मैं। बूरा अच्छी लगती है, चीनी भी पीस के डाल सकते हैं आप, लेकिन बूरा का अलग स्वाद होता है। तो ये अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसमें डालेंगे घी। मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स और अब इसमें डालेंगे घी। और घी डालने से पहले मेरी इलायची तो बची गई, वो डाल देती हूँ। तो इनको कूट के डाल दूँगी। इसका पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का, उससे भी अच्छी खुशबू आती है। तो मेरे पास यही थी तो मैं यही यूज कर रही हूँ। और इसमें डाल दिया मैंने घी। जितना आप चाहो, जितने के लड्डू बन सके उतना घी डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और इसमें ज़्यादा घी भी नहीं पड़ता, कम ही घी में बनते हैं ये। तो ऐसे बांध के देख लेना, अगर अच्छे से बंध रहे हैं लड्डू तो सही है, वरना और थोड़ा सा और डाल लीजिए। तो मैंने वैसे ही ताजे से डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और इस सारे के बना लेंगे लड्डू और एक प्लेट में डाल के फ्रिज में रख देंगे। तो मैं बना रही हूँ इसके सारे के लड्डू, तब तक के लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी कैसी बनी है और किस किस ने ये लड्डू खाए हैं, सूजी के लड्डू। मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे लड्डू बना के खाते रहिएगा। ओके।